आज से ठीक 16 साल पहले नानकपान बांध फूटने से आए प्रलयकारी महापूर में दिग्रस शहर और ग्रामीण परिसर के 14 लोगों की जान गई थी। तब से लेकर अब तक पुनर्वास के नाम पर मिले खंडर नुमा घरों में रह रहे करीब 952 पीड़ित परिवार भ्रष्ट प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों की उच्च कोटि की लापरवाही की बदौलत बीते 16 साल से अपने अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की ये खास रिपोर्ट। स्क्रीन पर नजर आ रहे ये खंडर नुमा घर मानो अपनी बदहाली पर रो रहे हो। इन घरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पुनर्वास के नाम पर करीब 952 पीड़ित परिवारों के साथ भ्रष्ट प्रशासन और मोटे चमड़ी के सियासी लोगों ने कोई भद्दा मजाक किया हो। यहाँ न तो सड़क है, न पर्याप्त नल है और न ही शौचालय और न ही बिजली के खंभे यहाँ नजर आते हैं। यहाँ अगर कुछ नजर आता है तो सिर्फ पीड़ितों की आह, उनकी मजबूरी और उनकी बदकिस्मती। नगर पालिका एवढं सांगायचं तुम्ही रोड म्हणले होते, रोड नाही टाकून दिलं तर हर व्यवस्थित तुम्ही काम करत होते तर काम काहून नाही केलं, तर इकडं रोड नाही आहे, नाल्या नाही आहे, तुम्ही खंबे देता म्हणले होते खंबे बी नाही आहे, तुम्ही आतापर्यंत काय काम केलं हेच आपल्याला विचारायचं आहे त्यांनी। मालूम हो कि दिग्रस शहर से 9 किलोमीटर की दूरी पर बसे नानगवान बांध का निर्माण नगर पालिका दिग्रस ने किया था। बांध फूटने से किनारे पर बसे देवनगर, गोंडपुरा, चमनपुरा, होल्टेकपुरा, बजरंग नगर, मल्लिकार्जुन मंदिर परिसर, जूना बैल बाजार, मोती नगर, घंटी बाबा परिसर, वाल्मीकि नगर, गंगानगर, विट्ठल नगर, शंकर नगर और फुकट नगर इलाके जलमग्न हो गए थे। ऐसे में महापूर से पीड़ित 952 परिवारों के लिए सरकार ने 22 करोड़ का निधि मंजूर किया था, लेकिन मंजूर किए गए निधि का हुआ क्या, ये रिसर्च का विषय बन चुका है। क्योंकि करोड़ों का निधि मिलने के बाद भी यहाँ सड़क की एक बाजू घरों की शक्ल वाले ये खंडर बनाए गए हैं और दूसरी ओर लोगों को आधे अधूरे घर दिए गए हैं जिसकी छत बरसात में रिसती है। एक भी घर में शौचालय नहीं है। महिला, बुजुर्ग और बच्चों को चलने के लिए न कच्ची सड़क है न पक्की सड़क है। रस्ते बांधून देणार होतो इकडे आणि नाल्या देणार होते म्हणे, पण काहीच झालं नाही इकडं, तिकडं जिकडे म्हणजे तिकडे गाटा जे पाठ होतो जिकडे गाटा तिकडे गड्डे मिड्डे आणि तिकडं सर्प मिरप एक तर असे निघाले आले ना तिकडे जाले भिवू लागते म्हणे, असे रातच्या टायमाला निघतं तर फाटर ते काय सांगा तुम्हाला, एवढे हे चालले आमची हेली घरं गळा लागले, त्याचं बरोबर होते पुरं पाणी पडा लागलं गांधरं आणि ते आमचं रोड नाही इकडं संडास बाथरूमचे कुठे करता करता ते बी राहून गेलं, इथं लोक संडासले येते माणसं इकडं बसाले कुठं जावा बायन, पुरा पाणी घरात यायला लागलं आमच्या घरात, ते का असं घरं केलं तर चांगलं तरी करावं ते काय, आमचे ते पहिलेच घरं चांगले होते ते झोपडं काहून नाही। हालांकि इन लोगों के उम्मीद और आस का बांध भी अब टूटने लगा है, क्योंकि ये पीड़ित लोग प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के आशीर्वाद से बीते 16 सालों से नरक यातनाएं झेल रहे हैं। मालूम हो कि रामायण के अनुसार विधर्मी रावण का वध करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भाई लक्ष्मण और जनक नंदिनी सीता माता के साथ अयोध्या अपने घर पहुँचे थे। उनका 14 सालों का वनवास खत्म हुआ था। उस दिन विजयादशमी थी जो बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन विडंबना ये है कि साल 2012 में ही विजयादशमी के पर्व पर नानगवान बांध के 952 पीड़ित परिवारों के लिए घर कुल निर्माण की नींव रखी गई थी, इसका भूमि पूजन भी किया गया था, लेकिन अब तक पीड़ितों का पुनर्वास मुकम्मल नहीं हो पाया है। लगता है पुनर्वास के नाम पर उनके जीवन में जारी वनवास इसलिए खत्म नहीं हो रहा क्योंकि इन बदकिस्मत लोगों के अधिकारों का रास्ता 10 मुंह से खाने वाले दशासन नाम के भ्रष्ट प्रशासन ने रोक रखा है और सियासी रावण अब तक मरा नहीं है। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।